प्रदेश के दूसरे नगर निगम धर्मशाला ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 95.11 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार निगम ने 41.90 करोड़ रुपए का कम बजट पेश किया है, जहां वर्ष 2017-18 के लिए निगम ने बजट के लिए 137 करोड़ का प्रावधान किया था, वहीं इस बार 95.11 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बजट में धर्मशाला शहर की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही कोई नई योजना लाई गई है, लेकिन निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले छोटे वाहनों पर 60 रुपए व बड़े वाहनों पर 120 रुपए कर लगाने का फैसला लिया है। साथ ही इस बार दाढ़ी मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले मेलों को भी निगम ने खुद करवाने का निर्णय लिया है। सदन में भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस पार्षद की बजट को लेकर हल्की फुल्की गहमा गहमी हुई। बजट में नई योजनाओं का सहारा न लेकर मूलभूत सुविधाओं पर आधारित बजट को ही पेश किया गया है। पार्षदों ने वर्ष 2018-19 के लिए पेश किए गए बजट को कुल मिलाकर अच्छा करार दिया है। वो अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट उसमें वो है ना कि जैसे सफाई वगैरह की है वो चलो धीरे धीरे आए हो ही जाएगी। अभी बोल रहे हैं कि नया टेंडर होगा दोबारा से, फिर तो उसके हिसाब से ठीक ही हो जाएगा। वो लाइट्स की कमी है, फिर बोर्ड में लाइट्स अभी नहीं लगी हुई है, बाकी सारे बोर्ड में लाइट लगना हुआ है, तो वो भी उसके लिए बजट में भी डाला हुआ कि भी टाइम लगेगा, हो जाएगा एक दो महीने में शायद लाइट्स हो गए सारी। अभी तक तो कुछ मिले भी हैं और अभी बाकी बजट में डाले हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। मैं उकार नहरिया वार्ड नंबर 2 बागसूनाग। आज जो 18-19 का बजट पास हुआ है उसमें सभी पार्षदों ने भाग लिया है और आपस में बजट को लेकर थोड़ा बहुत आपस में गर्मी हुई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है और हमारे जो भी कार्य रुके हुए हैं उसको चलाने के लिए भी आज हमने अपना पक्ष रखा है और हमें खुशी है कि बहुत ही अच्छा बजट पास हो गया। नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित मेयर रजनी ब्यास का यह दूसरा बजट था, जिसके बावजूद बजट में लोक लुभावन वायदों की जगह नहीं दिखी। बजट में लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने की राशि को 5,333 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही निगम ने लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रमाण पत्रों को भी ऑनलाइन कर दिया है। निगम के सभी पार्षदों ने एक मत होकर बदहाल सफाई व्यवस्था व खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर नाराजगी जताई व इसे जल्द दुरुस्त करने की मांग की। पिछले साल हमारा बजट था 137 करोड़ और इस बार हमारा 95.11 करोड़ रुपए है। तो कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो शामिल की गई हैं इस बजट में, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम? देखिए, इस बार जो हमारे कुछ जो पिछले वर्ष वित्त वर्ष के जो काम छूटे हुए थे उसको, जैसे स्ट्रीट लाइटों के लिए अभी हमारा जो पैसा खर्च हुआ था पिछले वित्तीय वर्ष में, अभी इस वर्ष हम 50 लाख के आसपास वो पैसा खर्च करेंगे इस पे। और जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी परिवार हैं हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, पहले उनको 5,333 रुपए की राशि प्रदान की जा रही थी, अब उसको बढ़ा के हमने 12,000 रुपए पर हाउस कर दिया गया है जो भी अपने टॉयलेट बनाता है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जहां पर भी हमने सार्वजनिक शौचालय बनाने हैं उसके लिए हमने 25 लाख का प्रावधान रखा हुआ है। और दूसरा, जितना भी हमारा यहाँ पे नगर निगम में जितना भी काम हो रहा है, जैसे लोगों की सुविधा को देखते हुए उनका जो भी प्रमाण पत्र जिनको चाहिए, शादी का चाहिए, डेथ का चाहिए, बर्थ का चाहिए, उसका ऑनलाइन सिस्टम हमने कर दिया है, तो ये बहुत ही जल्दी इसको शुरू कर दिया जाएगा, ये शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। पिछले बजट के जो प्रस्तावित कार्य थे उसमें क्या प्रगति हुई है अभी तक? देखिए, उसमें जैसे हमारा अंडरग्राउंड डस्टबिन का था वो उसमें लग गए हैं, हमारी स्ट्रीट लाइटें थी वो लग गई हैं उसमें, और कुछ हमारी स्मार्ट स्ट्रीट्स बननी थी वो भी हमारी उसमें बनी हुई है, कुछ आगे प्रपोज है। नगर निगम खुद करवा रहा है, नगर निगम जो वो दाढ़ी के मेले को खुद करने का सोच रहा और खुद ही कराएगा नगर निगम दाढ़ी के मेला। इनकम के सोर्सेज जनरेट करने के लिए क्या जो कदम है वो क्या उठा रहे हैं अभी नगर? देखिए, सबसे बड़ी हमारे कॉरपोरेशन की आज यही चर्चा हो रही थी कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं,
तो हमने कुछ एक मदों पे बात की है, जैसे बाहर से जो भी, क्योंकि हमारा ये जो धर्मशाला शहर है ये दो तीन बातों के लिए जाना जाता है, एक तो अपनी खूबसूरती के लिए, दूसरा हिज होलीनेस दलाई लामा जी के लिए जाना जाता है। तो बहुत से बाहर से टूरिस्ट आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, तो हम कभी भी उनसे किसी तरह का कोई भी कर वसूल नहीं करते हैं। तो क्योंकि हम लोग सफाई व्यवस्था में हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम एक सफाई कर हम लगा रहे हैं, जिसमें बाहर से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे हम एक नॉमिनल से चार्जेस लेंगे। जैसे छोटी गाड़ी के लिए 60 रुपये और बड़ी गाड़ी के लिए 120 रुपया हम उनसे लेंगे।